क्या आप जानते हैं स्नेक्स एंड लैडर्स गेम या सांप सीढ़ी का आविष्कार कहां हुआ था? और क्या आपको पता है ये 600 साल पुराना खेल है और इस खेल में कई अनेक राज छिपे हैं। इससे जुड़े कुछ खास और रोचक तथ्यों के बारे में आपको बताने के लिए आज हम आपके लिए खास जानकारियां लेकर आए हैं। लेकिन आगे आपको बताएं, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल लॉफ्टेड फैक्ट्स आपका स्वागत करता है। भारत में ही बना था ये खेल जिसका नाम है सांप सीढ़ी। आइए जानते हैं इस खेल से जुड़े प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। सांप सीढ़ी के खेल को हम आज बड़े ही आनंद से खेलते हैं, लेकिन इसकी जड़ें जुड़ी हैं प्राचीन भारत के अध्यात्म से। प्राचीन भारत में यह खेल मोक्षपटम के नाम से जाना जाता था। महाराष्ट्र के ज्ञानदेव जी ने 13वीं सदी में मोक्षपटम से लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाने का जरिया बनाया था। संत ज्ञानदेव के द्वारा बनाए गए सांप सीढ़ी को कैलाशापटम कहा जाता है। उन्होंने जैन धर्म से प्रेरणा लेकर इस खेल में वैदिक सनातन हिंदू मूल्यों को डाला और इसका प्रचार ग्रामीण भारत में किया। इस तरह से ये खेल पूरे उपमहाद्वीप में फैल गया। आप अगर इस खेल के आखिरी पायदान 100 पर पहुंच गए तो मतलब आप कैलाश पहुंच गए। इस सांप सीढ़ी के बोर्ड पर आपको कई दोष और गुणों का उल्लेख मिलेगा। उदाहरण के लिए एक वर्ग पर लिखा है पाप, जहां पर 3 सिर वाला सांप है। यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो सीधे नीचे महापाताल में आ जाते हैं। इसी प्रकार की सीख बच्चों को इस खेल के जरिए सिखाई जाती थी। सांप सीढ़ी के इस धार्मिक खेल को एक नया रूप मिला 16वीं सदी में। जैन धर्म के लोगों ने इसे ज्ञानबाजी का नाम देकर इसे जीवन की शिक्षा देने का जरिया बनाया। इस खेल का उद्देश्य ये था कि आप ये खेल खेलते हुए अपने दैनिक कार्यों के परिणाम के बारे में सोचें। लेकिन क्या आप जानते हैं, सांप सीढ़ी यानी स्नेक्स एंड लैडर्स का खेल बोर्ड पर खेले जाने वाला खेल है। ये खेल बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। इसका आविष्कार भारत में हुआ था। अंग्रेजों ने इसे स्नेक्स एंड लैडर्स नाम दे दिया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसका आविष्कार 13वीं सदी के संत ज्ञानेश्वर ने किया, किंतु कुछ सूत्रों के अनुसार इसकी जड़ें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक जाती हैं। तो ये थी सांप सीढ़ी गेम से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। अगर आप ऐसे ही रोचक और अनोखी जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो।